पहले तो मेरे प्रोड्यूसर साहब जनक जी और ध्रुव जी को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने इस युग में ऐसे कंपटीशन में ऐसी प्यारी फिल्म बनाने का निश्चय किया और हिम्मत की, और हमारे डायरेक्टर साहब श्री राजीव जी ने, और मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मौका मिला कि भाई इसमें म्यूज़िक होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी मुझे ढूंढा ही होगा, क्योंकि फिल्मों का म्यूज़िक एक अलग होता है, मगर जब एक हिस्टोरिकल फिल्म जब आप श्रीनाथ जी के ऊपर कोई रिसर्च करके, और इसका जो म्यूज़िक है दरअसल रिसर्च करके ही बनाया जा रहा है, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक डांस मास्टर होने के नाते, क्योंकि मैं पहले डांस मास्टर ही था संगीतकार से पहले, तो उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा काम करने में, और मैं इनका, जनक साहब का, ध्रुव साहब का, इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे, यानी आजकल के इस युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में, इन्होंने लाइव ऑर्केस्ट्रा करने का मुझे मौका दिया, और ये कहा कि जो तुम्हें चाहिए वो सब बुलाओ, तो इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि भाई बाइंडिंग हो, और मैं समझता हूँ कि जब कोई अच्छा काम होता है और उसमें अगर आपको बाइंडिंग नहीं है और काम करने की छूट दी जाए तो बहुत अच्छा म्यूजिक बनता है। आज के दौर में लाइव करना कितना आसान, कितना कठिन है? बहुत कठिन है। पहली बात तो ये है कि आजकल वैसे स्टूडियो नहीं रहे कि जिनमें जाके आप लाइव कर सकें, क्योंकि हमारे दौर जो था उसमें 200-250, 150 कम से कम छोटा से छोटा ऑर्केस्ट्रा 150 का होता था हमारा, अभी जैसे इसमें भी करीबन 100-125, 150 से ऊपर म्यूजिशियन हैं, बट अभी हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, एक साथ सबको नहीं बिठा सकते क्योंकि स्टूडियो की अभी वो साइज ही नहीं रही। और जो हमारे वक्त में एक मौका अच्छा था लाइव करने का, एक मजा आता था, वो आज है मगर उतना नहीं, क्योंकि पहले हमको ट्रैक बनाने पड़ते हैं, फिर बाद में एक एक करके हम डबिंग करते हैं। कितने गाने हैं इसमें? हमारे गाने तो देखिए, क्योंकि महाराज फिल्म है ऐसी है कि गानों की तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ 7-8-9 गाने तो होने चाहिए, क्योंकि दिस इज अ टोटली म्यूजिकल फिल्म। ये महाराज आप कर रहे हो? महाराज जी हाँ। क्या है, किस तरह का महाराज? देखिए, महाराज का मतलब है 9 रसों का रास, और 9 रस को इस एक गाने में आपको कंपोज करना है, जिसमें आपको राधा कृष्ण और गोपियों के मतलब एक श्रद्धा की भावना और प्रेम का जो प्रतीक है उसका विवरण करना, वो गाने के माध्यम से कि जस्टिस होना, क्योंकि महाराज बना कैसे, एक तो होता रास और एक होता महाराज, तो बाकी मैं डिटेल में अभी इस गाने को जब तक आप सुनेंगे नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या है, मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं, जितनी फिल्में की हैं, उनमें ये सबसे हटके और सबसे प्यारी फिल्म बनेगी, और मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक में बात अवार्ड की नहीं होती, मगर अवार्ड से भी बड़ा जो मुझे मौका मिला वो इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। जैसे इसमें एक थैंक यू अरे सर मुबारक हो, फ्लूट कमाल बजी।